नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ राधिका। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले की भील कलाकार भूरी बाई को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, जिनकी हर तरफ चर्चा हो रही है। भूरी बाई को कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए पद्मश्री से नवाजा गया है। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के पिटोल गाँव में जन्मी भूरी बाई आदिवासी समुदाय से आती है। उन्हें बचपन से ही चित्रकारी करने का शौक था। भूरी बाई ने शुरू से ही गरीबी का अनुभव किया है और बाल मजदूर के रूप में भी काम किया है। भूरी बाई अपनी चित्रकारी के लिए कागज और कैनवास का इस्तेमाल करने वाली प्रथम भील कलाकार हैं। उन्होंने मजदूरी से लेकर एक पेंटर तक का सफर तय किया है। आइए जानते हैं भूरी बाई से खुद उनके सफर के बारे में। मैं अपने घर की दीवारों पे मिट्टी कलर से शुरुआत की थी। जब गांव में मैं जैसे बच्चे लेके मिट्टी बैठ जाते हैं, ऐसा करके मैं मिट्टी लेके बैठ जाती थी। मुझे जो भी अच्छा ही लगता था, जो पेड़ बना लिया, मोर बना लिया, घोड़ा बना लिया, जब शादी होती थी तो मैंने हल्दी का चित्र बना लिया करती थी। ऐसे मुझे बचपन से ही शौक है। मैंने अपने शुरू में मिट्टी कलर से खेलते कूदते चित्र मैंने बनाती रही। मैं मजदूरी करने आई थी और भोपाल में एक म्यूजियम है भारत भवन करके, जो भारत भवन बन रहा था तो मैं मजदूरी कर रही वहाँ पे। मजदूरी करते करते और एक जे स्वामीनाथन जी जगदीश करके थे, उसी भारत भवन के डायरेक्टर थे और कलाकार भी थे, तो पहली बार उससे मेरी मुलाकात हुई। मैं तो जानती नहीं थी, अपने गाँव से आई मजदूरी करने के लिए। पहली बार उनसे मिली मैं और वो पूछने लगे, बोले आप कहाँ से हो, क्या समाज है और आपके गांव में कैसे शादी होती है, किस देवी देवता को मानते हो, कैसे पूजा होती हो। तो वो पहली बार निकल के आए थे, मैं हिंदी नहीं समझती थी, तो मैंने धीरे धीरे फिर थोड़ा सा उनको समझाने की कोशिश करी और वो भी समझने की कोशिश करी उन्होंने, तो कहने लगे, बोले आप हमें बना के दिखाएं। तो मैंने कहा मैं तो अपने हाथ के कलर लेके अपने घर की दीवारों पर बनाती हूँ और अब मैं आपको कैसे बना के दिखाऊं। तो कहने लगे, बोले हम बाजार से आपको रंग ब्रूस ला के देते हैं और एक सीट रोल ला के देते हैं कागज का, तो आप उस पर बना के दिखाएं। तो मैंने कहा मैं कैसे मतलब उसको रंग को घोलूं, मुझे आइडिया नहीं है, मैं पहली बार मतलब ब्रूस रंग से मतलब वो जो कोशिश करवा रहा है बनवा रहा है, तो मुझे कठिन तो हुआ थोड़ा सा, ऐसा लगा कि मैं कैसे करके दूंगी, कैसे बना के दूंगी। लेकिन मैंने वहां से भारत भवन से शुरुआत की। मैं बहुत अच्छे से उनको बना के दिए, उनको बहुत पसंद आया, खूब अच्छा लगा उनको। फिर उसको बीच बीच में मैं मजदूरी करती गई, बीच बीच में वो मुझे ऐसे कभी 5 दिन के कभी 10 दिन के ऐसे पेंटिंग बनवाता रहा। मुझे यही नहीं पता था कि वो बनवा रहा है लेकिन क्यों बनवा रहा है, मुझे ऐसे लग रहा है ये क्या करेगा। लेकिन उनके आशीर्वाद से आज मैं बहुत मतलब इतनी ऊंचाई पर आ गई हूँ। छोटे छोटे अवार्ड मैंने पहले शिखर सम्मान लिया है, दूसरा देवी अहिल्या है, तीसरा रानी दुर्गावती है, चौथा अवार्ड है मध्य प्रदेश गौरव का अवार्ड है। अब जाके ना ये पद्मश्री अवार्ड मिल रहा है मेरे परिवार को, मेरे अपने आप को और मेरे सारे गांव वालों को बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुश हो रहे हैं और मैं बहुत इतनी खुश हूँ कि मैं सोच भी नहीं सकती कि मैं इतना बड़ा अवार्ड ले लूँ। आज भी उनका आशीर्वाद है मेरे साथ, मैं बहुत लगे था। भूरी भाई ने कैनवास का इस्तेमाल कर आदिवासियों के जीवन से जुड़ी चित्रकारी करने की शुरुआत की और देखते ही देखते उनकी पहचान देश विदेश में हो गई। उन्होंने अपने पिता से पिथौरा कला सीखी थी। इस पारंपरिक कला को संरक्षित कर और इसे विश्व मंच पर ले जाने में भूरी बाई का अहम योगदान है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।